एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है इस पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे एक यूनिफॉर्म मीटर रूल, जैसे इस तरह से यूनिफॉर्म मीटर रूल है हमारे पास, और इसको मिड पॉइंट पे ऐसे पाइवट कर दिया ताकि ये इसके अबाउट जो है रोटेशन कर पाए, इसके अबाउट ये रोटेट कर पाएगा। ठीक है, ये इसके अबाउट ऐसे रोटेशन जो है ना इस तरह से ये करेगा। ओके, तो इसमें आपको जो है एक वेट जिसकी 50 gf ग्राम फोर्स, 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। तो मान लो यहाँ पर हमने 50 ग्राम फोर्स जो है सस्पेंड कर दिया है। वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। देखो, आप उस 100 ग्राम को तो एंड पे तो नहीं लगा सकते, बिकॉज फिर इधर ज्यादा भारी हो जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा, फिर ये नीचे मुड़ जाएगा, है ना, नीचे चला जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो आप इसे एंड से थोड़ा सा इधर ही लगाओगे, तो एंड से थोड़ा सा इधर मान लो कि आपने 100 ग्राम फोर्स लगा दिया, और ये डिस्टेंस आपको नहीं पता है, ये डिस्टेंस डी है, लेकिन आप जो मीटर स्केल ले रहे, तो 1 मीटर टोटल लेंथ थी, तो बीच में अगर पाइवेटेड है तो ये लेंथ आपकी हाफ मीटर होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, अगर इसकी टॉर्क, इस इधर वाली की टॉर्क अगर इस तरफ वाले के टॉर्क को बैलेंस कर दे, तो यहाँ पर टॉर्क ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फोर्स हमारा 100 gf इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डी है, और टॉर्क ऑन RHS मतलब कि टॉर्क ऑफ राइट हैंड साइड अगर आप देखो तो फोर्स आपकी जो है यहाँ पर फोर्स है 50 gf और डिस्टेंस है हाफ मीटर। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रह सकता है। तो आप इक्वल करो तो 100 gf इंटू डी इज इक्वल टू 50 gf इंटू हाफ मीटर, है ना। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से दैट कि ये 2 हो जाएगा, 50 × 200, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मीटर। कहने का मतलब कि 0.25 मीटर पे आपको लगाना पड़ेगा, मीन्स ये जो फलक्रम या फिर ये जो पाइवेटेड पॉइंट है, इससे आपको इधर 0.25 या फिर 1/4 मीटर पे दूसरा फोर्स 100 gf का लगाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, तभी जा करके ये रूल जो है ये हॉरिजॉन्टल रह पाएगा।